बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री लेने वाले बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने खलनायक के तौर पर इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन जिस तरह से एक खलनायक के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले इस अभिनेता ने अपनी पहचान एक मेगा स्टार के तौर पर बनाई है, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल सा लगता है। पर आज बिहारी बाबू फिल्मी इतिहास में अमर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से इन्होंने अपनी पहचान एक मेगा स्टार के तौर पर बनाई। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं इनकी फैमिली हिस्ट्री बताकर। तो देर किस बात की, चले रूबरू होते हैं बिहारी बाबू के परिवार के इतिहास से। लेकिन इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा के लिए एक लाइक तो बनता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्म में देने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की काबिलियत उनके दमदार अदाकारी से दिखती है, जो वाकई लाजवाब है। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता के परिवार के इतिहास की, तो इनका परिवार शुरू होता है ब्रिटिश भारत के पटना शहर में अपना बिजनेस संभालने वाले इनके पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा के घर से, जो एक ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखते थे। ये कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की श्यामा देवी सिन्हा के साथ ब्याह रचाया था, जो इन्हीं की तरह हमेशा से लाइमलाइट से कोसों दूर रहे हैं। शादी की शादी से भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी चार बेटों के दंपति बने हैं और ये चाहते हैं कि इनके चार बेटों में से दो बेटे डॉक्टर बने और दो साइंटिस्ट। पर फिलहाल आज भुवनेश्वरी प्रसाद और श्यामा देवी सिन्हा इस दुनिया में नहीं है। माता पिता के बाद बात करें शत्रुघ्न सिन्हा के भाई की, तो इनके तीनों ही भाई राम, लक्ष्मण और भरत इस ग्लैमर की दुनिया से हमेशा से दूर रहे हैं। लेकिन ये तीनों ही भाई उम्र में शत्रुघ्न सिन्हा से बड़े हैं, जिनमें राम और भरत ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए डॉक्टरी लाइन चुने और उस पर खूब कामयाब होते हुए फिलहाल अपने निजी जीवन में व्यस्त हैं। तो वहीं लक्ष्मण ने अपने इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए फिल्म इंडस्ट्री को अपने करियर के तौर पर चुना और बतौर फिल्म निर्माता अपने करियर की शुरुआत की, जिन्होंने प्रेम गीत और राही जैसी कई फिल्मों को निर्मित किया है और ये अभी फिलहाल अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं। वहीं बात करें सिन्हा परिवार के सबसे सफल बेटे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, तो इन्होंने भी अपने पिता के ख्वाब को नकारते हुए अपने सपने को साकार किया और बतौर फिल्म अभिनेता साल 1969 आई फिल्म साजन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। मेरे अपने और शैतान जैसी कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें इनके फिल्मी करियर का पहला ब्रेक साल 1976 में आई फिल्म काली चरण से मिला, जहां इन्हें अभिनेत्री रीना रॉय के साथ मुख्य भूमिका में देखा गया था और इसी फिल्म के बाद ये बॉलीवुड के मेगा स्टार बन गए थे, जिसके चलते इन्हें दोस्ताना, विश्वनाथ, लोहा और क्रांति जैसी कई फिल्मों में देखा गया, जो इनके करियर की सफल फिल्में मानी जाती हैं। फिलहाल अब ये एक फिल्म निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भारतीय राजनेता के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्होंने साल 1992 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हुए पॉलिटिशियन लाइन में अपना पहला कदम रखा, जो वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। आपको बता दें कि जब बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा अपने करियर के सफल मुकाम पर थे, तब इनका नाम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय के साथ जोड़ा गया था, जिन्होंने सुपर हिट फिल्म काली चरण में इनके साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। कहा जाने लगा था कि दोनों ही असल जिंदगी में भी एक दूसरे का हाथ थामने वाले हैं। पर अचानक ही जब रीना रॉय किसी काम से लंदन पहुंची, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा के साथ अपना घर बसा लिया। इसे ये ट्रैवलिंग के दौरान ट्रेन में मिले थे, जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली मुलाकात में ही पूनम सिन्हा को रोते हुए देखा था। तभी इन्होंने एक मैगजीन के पेपर पर पाकीजा फिल्म का डायलॉग लिखते हुए तुरंत ही पूनम सिन्हा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और पूनम सिन्हा भी इस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए साल 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। तभी से शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखते हैं। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा अपनी शादी से तीन बच्चों के दंपति बने थे, जिनमें दो जुड़वा बेटे लव और कुश और एक प्यारी बेटी सोनाक्षी सिन्हा है, जहां इनके बेटे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन कुश सिन्हा तरुणा सिन्हा के साथ शादी करके अपने निजी जीवन में व्यस्त हैं, तो वह इनके दूसरे बेटे लव सिन्हा
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं जिन्हें पलटन और शादिया मूवी के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा की लाली बेटी सोनाक्षी सिन्हा को तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड को दबंग, राउडी राठौर और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा जैसी कई एंटरटेनिंग फिल्मों से नवाजा है। लेकिन फिलहाल ये भी अपने भाई लव सिन्हा की तरह अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधी है। तो दोस्तों, आपको शत्रुघ्न सिन्हा की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।